हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए जो है ये काफ़ी फरमाइशें आ रही हैं मंकी कैप के लिए। तो आज जो है देखिएगा, आप मैंने ये मंकी कैप बनाई हुई है, ये इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से दिख रही है, ये देखिए। आप अभी तो मैंने देखिए, आप इसको पहना के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से दिखेगी। 72 फंदों से बनाई है, धागे को मैंने थोड़ा डबल करके बनाया है। आप सिंगल धागे से भी इसे जो है बना सकते हैं। और इसे इसकी दो तीन चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगी। ये देखिएगा, ये इस तरीके से, अब इसमें दो तीन चीज़ें सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी। एक तो जो नेक की लेंथ होती है, आपने नेक की लेंथ बेसिकली उतनी करनी है जितने आपके बच्चे के, जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे उसके आप करेंगे। और ये जो 2 बाय 2 की रिब देख रहे हैं आप, दो उल्टा दो सीधा, ये जो मैं आपको बताती हूँ, ये बेसिकली एक इलास्टिसिटी लेकर होती है। आप देखेंगे इस तरीके से खुलता है, और वैसे देखने में छोटा लगता है, बट आप इसे खोलेंगे तो देखिए कितना खुल रहा है। और ये वार्म बहुत रहता है, गर्म बहुत रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे जो कट मारा है वो ये छोटे बच्चे के लिए मैंने बनाई है। ऑब्वियसली ये 3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक के बेबी के लिए आएगी, बट इसमें जो मैंने कट किया है वो मैंने एक ही लाइन में कट करने के बाद यहाँ पे फंदे डाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 4 लाइन्स और यहाँ पे 4 लाइन्स कट करने के बाद बना सकते हैं, और उसके बाद ये फंदे आप जैसे मैंने बताया है वैसे इसमें और डाल सकते हैं। तो वो उस चीज़ को आप अपने हिसाब से देखिएगा। आप जिसके लिए भी, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये मैंने बच्चे के लिए बनाई है, तो मैंने ये गैप ज़्यादा नहीं रखा है। और आप देखिए ऊपर जो है ये प्रॉपरली टोपी की शेप है, इस तरीके से ये बनती है। और इसे आप सर्कुलर नीडल से भी बना सकते हैं अगर आपको सिलने का नहीं रखना है। तो आप ये देखिएगा इस तरीके से इसे, जो आपका बच्चा होगा उसके लिए इस तरीके से आएगी। और इसे जो है हम फेस पे ऐसे भी रख सकते हैं, और आप चाहो तो इसे यहाँ तक भी ऐसे रख सकते हैं। 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसे बनाया, क्योंकि मैंने वूल को डबल किया हुआ है। तो 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसे 72 फंदे डाल के जो है बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। देखिए मैंने इसमें जो है 72 फंदे डाले हुए हैं, 72 फंदे डाले हैं, 72 फंदे। इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इसे राउंड पिन में भी, जो सर्कुलर नीडल होती है बेसिकली, इसमें भी आप इसे बना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जब राउंड इसमें सर्कुलर नीडल में बनाते हैं तो आपको सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं आपको इसमें नॉर्मल नीडल में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो नॉर्मल आप नीडल से किस तरीके से, निटिंग नीडल से किस तरीके से बनाएंगे सिलाइयों से, वो मैं आपको बताती हूँ। और उसे सिर्फ क्या होता है फ़र्क, कि आपने सिर्फ सिलना है। और अगर आप सर्कुलर नीडल से बनाएंगे तो इसे हम, हमें सिलना नहीं होगा। तो चलिए देखिए बनाते हैं। 72 फंदे डाले हैं, 72 फंदे डालने के बाद हम 2 सीधा और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। नॉर्मल वूल ली है, उसे मैंने डबल किया है, तो मैं 9 नंबर की सिलाई से आप देखिएगा बना रही हूँ। अब पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, 2 फंदे सीधे इस तरीके से और 2 फंदे उल्टे। तो देखिए पूरी लाइन आप इसी तरीके से करेंगे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का ये आप इसका जो है बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। दोनों साइड से हम इसी तरीके से करेंगे और एक बॉर्डर बनाएंगे। कम से कम मैं समझती हूँ 6 से 7 इंच का बॉर्डर ये बनना चाहिए। चलिए बनाएंगे पहले हम इसे। दोनों तरफ से आपने जो है 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाना है। आप चाहे तो 1 सीधा 1 उल्टे का बॉर्डर भी बना सकती हैं, पर ये अपनी अपनी मर्जी है। बट मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब हम कभी भी 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा, एक तो गफ रहता है,
और गर्म रहता है, और प्लस जो है उसे आप इलास्टिसिटी उसमें बेसिकली ज़्यादा रहती है। तो चलिए अब हम पहले इसका बॉर्डर बना के करते हैं। दोनों साइड से दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। तो देखिए मैंने इतना लंबा बना लिया। अब देखिएगा ये मैंने नीचे से जो है एटलीस्ट 6.5 इंच के आसपास जो है, 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इतना मैंने इसे दो सीधे दो उल्टे की रिब जो बनाई है। अब देखिएगा अब हम इस कैप को, जो मंकी कैप बेसिकली बनाने जा रहे हैं, उसे हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिएगा अभी मेरी यही लाइन चल रही है, आप देखेंगे मैंने इसमें डबल कलर डाला है। आप चाहे तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे 72 फंदे हैं, 72 को मैं 3 में डिवाइड करूंगी। अब मैं पहले 24 फंदे जो है इसके बनाऊंगी, दो सीधे दो उल्टे का ही करूंगी। देखिए 24 25 26 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 24। अब देखिए 24 फंदे जो है मैंने यहाँ बनाए, और यहाँ से मैं 24 फंदे जो है बंद करूँगी और 24 फंदे फिर बनाऊँगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको इस लंबाई के बारे में बताना चाहूँगी कि ये आप अपने हिसाब से, हर एक का नेक की लेंथ जो है वो अलग होती है, तो उस हिसाब से इसे आप जो है लेंथ रखिएगा। मैंने 7.5 7 इंच के आसपास रखा हुआ है, आप 7 इंच भी रख सकती हैं, आप उस हिसाब से देखिएगा। आप देखिएगा ये मैं एक एक करके 24 फंदे बंद करूंगी। ये देखिए एक इस तरीके से, दो, तीन, चार, पांच, थोड़ा ढीला छोड़िएगा, हाथ बहुत टाइट मत रखिएगा, देखिए ये 24 फंदे हमने आप देखेंगे बंद कर लिए। अब अगेन ये जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, दो सीधे और दो उल्टे। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है इसे बीच में 24 फंदे बंद किए, यहाँ 24 है यहाँ 24 है। आप पलट लीजिए, आप अब ये 24 फंदे जैसे बुन रहे थे हम वैसे ही से बनाएंगे हम। अब देखिए ये 24 फंदे हमने बना लिए। अब जो हमने ये 24 फंदे घटाए हैं ये हमें यहाँ पे बनाने हैं। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। 24 बनाने के बाद आप ये धागा ऐसे लेकर इस तरीके से कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक, अगेन कीजिए दो,
चार, पाँच, छः, सात, आठ। इसी तरीके से आपने 24 फंदे जो है लेने हैं। ये देखिए जितने हमने घटाए थे उतने ही मैंने यहाँ पे जो है फंदे डाल दिए, 24 फंदे। एंड अगेन इसको मैं जैसे ये बना रही थी दो सीधे दो उल्टे, उसी तरीके से इसे बनाऊंगी, दो सीधे इस तरीके से लाइन जो है पूरी करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है ये मंकी कैप के लिए कैप दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि अगर आप चाहें, जो भी अलग अलग तरीके से चाहता है, तो यहाँ पे आप इतना गैप भी दे सकते हैं, यानी कि आप ये चार लाइंस और ये चार लाइंस बनाने के बाद जिस तरीके से मैंने डाले हैं फंदे, उस तरीके से उसके बाद भी डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मंकी कैप ऐसी ही होती है, इसलिए मैं ऐसे ही आपको एक जनरल जो ट्रेडिशनल मंकी कैप का वो है वो बता रही हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे चार लाइंस और यहाँ पे चार लाइंस करने के बाद इस तरीके से फंदे 24 डाल के फिर सारा टोपी की तरह से बना सकती है। तो चलिए अब इसे नॉर्मली वैसे ही बनाएंगे, जहाँ तक हमारे जो है टोपी की लंबाई पूरी नहीं आ जाती तब तक हम इसे लंबा बनाएंगे, और उसके बाद हम जैसे टोपी को शेप देते हैं वैसे ही हम इसे भी शेप देंगे। तो दो उल्टे दो सीधे। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप सीधे सीधे भी बना सकती हैं, बट मैं दो उल्टे दो सीधे का ही रिब पूरा ऊपर तक बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से क्या शुरू करना है कि आपने ये दो उल्टे किए थे तो ये दो हम सीधे करेंगे, ताकि हमारी सिमेट्री जो है वो प्रॉपर आए। दो सीधे, अगेन दो उल्टे, पहली लाइन में थोड़ा सा आपको इस प्रकार से थोड़ा सा वो होगा, करना पड़ेगा। अगेन दो सीधे, दो उल्टे, देखिए हम लास्ट में उसी सिमेट्री में अपने आप आ जाता है जब हम उतने ही फंदे जो है डालते हैं। और ये देखिएगा दो सीधे। इस तरीके से आपने अब इसकी रिब जो है बनाते हुए जानी है, जहां तक हमें टोपी की शेप देनी है, यानी कि टोपी की लंबाई पूरी नहीं हो जाती लेंथ, वहां तक हमें इसे इसी तरीके से दोनों साइड जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाते हुए जाना है, और फिर हम इसको एक टोपी की जो ऊपर शेप होती है वो देंगे।
अब इसी तरीके से आपने जो है इसे बनाते हुए जाना है ताकि इसकी जो है ऊपर लेंथ हमारी पूरी हो जाए। आप ये देखेंगे ये हमारी बेसिकली बच्चे की जो मुंह कह लीजिए वो कह लीजिए। अब किसी बड़े के लिए बना रहे होंगे तो थोड़ा सा गैप रखिएगा, उसके बाद ये फंदे जो है आप डालिएगा। चलिए फिर इसकी अब हम लेंथ पूरी होने तक इसी तरीके से दोनों साइड बनाते हुए जाएंगे जैसे हम बनाते हुए आए हैं अभी तक। तो देखिए एक कटिंग के बाद अब मैंने इसे जो है कम से कम 3.5 4 इंच जो है इसको मैंने बना लिया। ये पार्ट भी आप अपने हिसाब से बनाएंगे क्योंकि हर एक का हेड का जो लंबाई होती है वो अलग होती है। ये नेक का पार्ट भी आप अपने हिसाब से बताएंगे जो ये नेक का पार्ट है, और क्योंकि हर एक की नेक की लेंथ अलग होती है, हर एक के सर की लेंथ अलग होती है। अब मैंने इसे जो है 3.5 से 4.25 इंच बनाया है। अब इसे हम एक टोपी का शेप देंगे और घटाते हुए जाएंगे। अब देखिएगा किस तरीके से घटाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, ये 6 फंदे करने के बाद धागा आगे करेंगे और हम 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से ये जो 2 उल्टे हैं इन दोनों को हम एक कर देंगे। अगेन धागा आगे करके 6 फंदे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच और ये 6। 6 करने के बाद फिर धागा आगे करके इन 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूँगी। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 6 फंदे बुनने हैं और 2 का 1 करना है। ये देखिए 2 3 4 5 6, अगेन 2 का 1, फिर धागा आगे करके फिर 6 फंदे। 1 2 3 4 5 6, धागा आगे किया इन 2 को आपने 2 का 1 किया, फिर धागा वापस, फिर 6 फंदे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने। देखिए 6 फंदों के बाद 2 का 1। अब उल्टी लाइन जो है नॉर्मल बुननी है जैसे हम बुनते आए हैं, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही आपने करना है। एक उल्टा सॉरी एक सीधा, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे एक 2 सीधे सॉरी एक सीधा, अगेन 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे एक सीधा। इस तरीके से पूरी लाइन आपने बनानी है, यानी कि जो जैसा आपको दिख रहा है आपने वैसा ही उसे बनाना है। अब देखिए आगे हम सीधी लाइन पे, अब अगेन हमें ऐसे करना है इसे, 1 2 3 4 5 6। अब हमें 5 के बाद करना है, 2 2 4 5 और ये 2 का 1 करेंगे आप इस तरीके से। अगेन 1 2 3 4 5 और इन 2 को हम 2 का 1 करेंगे। अब 5 फंदों के बाद आपने ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 और इन 2 को 2 का 1। अब इसी तरीके से आपने घटाते हुए जाना है। इसकी अगली लाइन सीधी में हम 4 के बाद करेंगे, फिर 3 के बाद, जब तक कि हमारे पास जो है फंदे जो है खत्म हो जाएंगे। आप देखेंगे अभी दो
उल्टी लाइन में जैसा दिख रहा है वैसा ही आप करते हुए जाएंगे, जो जैसा हमें फंदा दिखेगा हम उसे वैसे ही बनाएंगे। दो उल्टे, दो सीधे, अब ये चार उल्टे होंगे, एक दो तीन चार। इसी तरीके से आपने उल्टी लाइन करनी है, जो जैसा दिख रहेगा वैसा ही आपने इसे बनाना है। तो देखिए आगे सीधी लाइन पे, अब अगेन चार फंदों के बाद हम घटाएंगे, दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार, इन दो को हम दो का एक करेंगे। अगेन एक दो तीन चार, फिर दो का एक करेंगे। उल्टी लाइन अगेन वैसे ही, जो जैसा दिखेगा वो आपने वैसे ही बनाना है। देखिए आगे हम सीधी लाइन में, अब देखिएगा क्या करना है। ये पहले के चार फंदे तो हम जो है बनाएंगे, एक दो तीन चार, और फिर इन दो को हम दो का एक करेंगे। इस चीज को आप देखिएगा, अब अगेन तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, धागा आगे करके दो का एक, अगेन तीन फंदे, एक दो तीन, धागा आगे करके दो का एक। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, आप तीन फंदे बनाते हुए जाएंगे और दो का एक आप करते हुए जाएंगे। तीन अगेन उल्टी लाइन वैसे ही करेंगे, जो जैसा दिख रहा है हम उसे वैसे ही बनाएंगे। उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे, सीधा दिख रहा है तो आप उसे सीधा बनाएंगे। अब देखिए सीधी लाइन पे आए, अब हम दो दो बनाने के बाद दो का एक करेंगे। मैं ब्लैक लूंगी क्योंकि मैंने इसमें लाइंस डाली है। अब ये दो बनाएं और इन दो को उल्टे में इस तरीके से दो का एक करना है। अगेन ये दो बनाएं में, इन दो को इस तरीके से दो का एक करना है। इसी तरीके से पूरी लाइन करनी है, दो सीधे बनाने हैं और दोनों उल्टों को हमने दो का एक करना है। उल्टे में ये दो बनाएं, उल्टे में आपने दो का एक किया, पूरी लाइन इसी तरीके से बनेगी। और उल्टी लाइन जो है वो वैसे ही बनेगी, जो जैसा दिख रहा है उसे हम उल्टे में वैसे ही बनाएंगे। सीधा दिख रहा है तो सीधे बनाएंगे, उल्टा दिख रहा है तो हम उसे उल्टा बनाएंगे। देखिए अब आ गए हम सीधी लाइन पे, अब हमें दो का एक करते हुए जाना है, एक एक बुनना है और दो का एक करना है। इन दो को हम इस तरीके से लेकर दो का एक करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, अगेन दो का एक करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, अगेन दो का एक करेंगे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, एक सीधा बुनना है और
दो का एक करना है, यानी कि जो उल्टा फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे और सीधे दोनों को दो का एक करेंगे। अगेन उल्टी लाइन वैसे ही जाएगी जैसे हम जो जैसा दिख रहा है वैसे ही हम उसे उल्टी लाइन में करेंगे, जो जैसा दिख रहा है उल्टी लाइन वैसे ही करेंगे, यानी कि पूरी उल्टी ही लाइन जाएगी क्योंकि सारे उल्टे दिख रहे हैं। तो पूरी लाइन उल्टी साइड में हम उल्टा बनाएंगे, अगेन हम दो फंदों को दो का एक करते हुए जाएंगे। अब इसमें दो दो फंदों को दो का एक करते हुए जाएंगे, दो का एक, अगेन दो का एक, इसी तरीके से करेंगे आप पूरे दो का एक करते हुए जाएंगे। अब देखिएगा पलट के, अब हमारे पास जो ये फंदे बचे दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इसको भी हम उल्टे साइड में दो का एक करेंगे। उल्टी तरफ से लास्ट में, लास्ट लाइन में आप इस तरीके से दो का एक करेंगे, दो फंदों को एक फंदा बनाना है। अब देखिए हमारे पास ये सिर्फ पांच फंदे बचे हैं, इन्हें हम सुई में डाल के जिस तरीके से टोपी हम बंद करते हैं वैसे ही बनाएंगे। आप देखेंगे इसकी शेप बहुत बढ़िया तरीके से आई है टोपी की। ये तो मैंने छोटे बच्चे के लिए बनाया है, तो इसमें अब सुई में धागा डालेंगे हम काट के, इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसे जो है इस तरीके से यहाँ से पूरा नीचे तक जो है इसे सिल देंगे। देखिए धागा जो है इसमें सुई में डाल दिया, अब आप इसको इस तरीके से ऐसे लेंगे। हम इस तरीके से इसमें से धागा निकालेंगे और इसे खींच देंगे। अगेन दोबारा डालेंगे क्योंकि थोड़ा टाइट होना चाहिए, तो आप उसी में से दोबारा डालिए इस तरीके से और इसे खींच देंगे तो ये प्रॉपरली आपका टाइट हो जाएगा। ये देखिए अब आप इसे जो है यहाँ से लेकर पूरा इस तरीके से ये पूरा सिलेंगे यहाँ तक। तो देखिए इसे मैंने इस तरीके से जो है बैक साइड पे ऊपर से लेकर पूरा सिल दिया है। अब आप देखेंगे ये ऐसे आपके जो है बच्चे के लिए मंकी कैप बनी है। ये देखिए आप, ये देखिए इसकी शेप जो है आप देखेंगे इसमें बेसिकली जो हम दो सीधा दो उल्टा करते हैं वो उसमें हमारी इलास्टिसिटी बहुत आती है। तो ये देखेंगे आप, ये इतना खुला हुआ है, वैसे देखने में आपको इस तरीके से लग रहा है बट आप जब इसे खोलेंगे आप देखिए कितना खुला हुआ है। और ये देखिए सेंटर ऊपर का जो है कितने बहुत ही बढ़िया तरीके से राउंड आया है, क्योंकि जो हम एक एक करके जिस तरीके से घटाते हुए जाते हैं उस तरीके से टोपी की जो है ऊपर का राउंड है ये बनता है।
तो देखिए ये इस तरीके से बना है। थैंक यू।